वार्ड क्रमांक 136 की नगर सेविका रुखसाना सिद्दीकी के नेतृत्व में एमएलए अबू आसिम आजमी के हाथों से प्लेग का उद्घाटन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल मुजतबा अजीम नाजा भी शामिल रहे। वहीं इस कार्यक्रम में मुजतबा अजीम नाजा ने अपनी कव्वाली के फन से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मान्यवरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। वीडियो रिपोर्ट, भारत न्यूज़, मुंबई। 136 वार्ड में जहां डंपिंग ग्राउंड है, जहां बहुत गंदगी रहती है, जहां सब लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, सब आके बैठते हैं, लड़के टाइम पास करते हैं, ऐसी जगह पर एक बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा हमारी नगर सेविका रुखसाना सिद्दीकी साहब के प्रयत्नों से, उनकी कोशिशों से तमाम कार्यकर्ताओं से मिलकर के एक अच्छा ग्राउंड बनाया, यहाँ पर मैदान बनाया, उसमें लोग वॉकिंग करेंगे, लोग एक्सरसाइज करेंगे, प्रोग्राम होगा उसमें, लाइट है उसके अंदर, मॉडर्न किस्म का जो ऐसा मैदान जो अच्छे इलाकों में बनता है, इस तरह का मैदान हम अपने इलाके में बनाकर हम लोगों ने लोगों को जो है एक अच्छा तोहफा देने की कोशिश किया, जो मुझे अच्छा लग रहा है। बड़ी मैं आज बहुत दिल से खुश हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा था कि यहाँ पर पूरा डंपिंग ग्राउंड बना हुआ था, मतलब बहुत सारा कचरा यहाँ डंप था मैंने देखा, और बहुत सारे नशे वाले बच्चे यहाँ बैठते थे, लेकिन 2034 के आरागढ़ में मैंने देखा कि ये पूरा रिजर्वेशन ही और जैसे एक लक्ष्य होता है कि मेरा सेकेंड टर्म आने से पहले मैं इस गार्डन को रेडी कर दूं, और अल्लाह के शुक्र से अबू आसिम आजमी साहब का सपोर्ट साथ और हमारी मेहनत से ये गार्डन आज बन के रेडी हो गया। यहाँ के बच्चों के लिए हमने अक्सर देखती थी, मैं रोड पर खेलते थे, बच्चों के कई बार एक्सीडेंट हो जाते थे, क्योंकि डंपिंग में जो ट्रक सीधा सीधा चली जाती थी, कहीं ना कहीं डंपिंग पे जो गाड़ी चलाने वाले बहुत रफ ड्राइव करते थे, और हमारे बच्चों के पास खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं था, जिससे बहुत सारे एक्सीडेंट के वारदात यहाँ पर होते थे छोटे छोटे बच्चों के। लेकिन मुझे उम्मीद है ये इतना खूबसूरत गार्डन जो बना है, बच्चे अब इसके अंदर हिफाजत से खेलेंगे, उनकी हिफाजत होगी और वो समझ सकेंगे। मैं जब यहाँ पर जब मैं आई तो मेरे को छोटे छोटे बच्चे थैंक्स बोलते हैं, शुक्रिया बोलते, तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैडम हम लोगों को खेलने के लिए जाकिर हुसैन नगर जाना पड़ता था, लेकिन आपने हमारे ही इलाके में इतना खूबसूरत गार्डन बना दिया, तो कहीं ना कहीं एक तसल्ली महसूस होती है कि जिस प्यार मोहब्बत और विश्वास के साथ पब्लिक ने मुझे चुन के दिया था, वो सपना आज समझो पूरा हो गया, उनके लिए मैं कुछ कर पाई, मुझे आज ऐसा लगता है। थैंक यू। बस एक अपील आपके चैनल के माध्यम से, मैं सिर्फ एक ही अपील करना चाहती हूँ कि यहाँ की जो अवाम है इस गार्डन से फ़ायदा उठाए, इसमें किसी किस्म का नुकसान ना हो, इस चीज़ का हमें और आपको मिलकर ख्याल रखना है। सिर्फ पुलिस या नेताओं की जिम्मेदारी नहीं होती, और मुझे यकीन है यहाँ के बच्चे बहुत होनहार हैं, समझदार हैं, वो लोग खुद और उनकी माएँ उनको समझाएंगी कि गार्डन में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से खेलना है, और इसका किसी किस्म का नुकसान ना हो। ये आप ही लोगों के लिए बना है ये गार्डन, अब आपके हवाले। थैंक यू। गोवंडी की जनता का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो लोग आए, इतने तादाद में मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, और जो मेरी सोच थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम हो गया, और गार्डन जो हमारा एक सपना था वो पूरा हुआ। आज हम लोग 5 साल से मेहनत कर रहे थे इस चीज़ पे, बहुत लोगों से दुश्मनी भी हो गई, बहुत लोगों ने गाली भी दी हमें, बहुत लोगों ने बुरा भी कहा, और बहुत आज दिख रहा है कि हम लोगों ने अच्छा काम किया है, दिल को सुकून मिला है। सर आज सर क्या कहेंगे, ये सिर्फ शाही नगर या बैंगनवाड़ी के लोगों के लिए ही गार्डन नहीं, और बाकी इसमें सारे मानखुर के लोग भी आएंगे, क्योंकि ऐसा गार्डन कहीं मानखुर नज़दीक में भी नहीं है। नहीं, हमने मैं पूरी गोवंडी के लिए बोला हूँ, मानखुर गोवंडी कोई भी आ सकता है, पूरे मुंबई से कोई भी आ सकता है, किसी के लिए मना नहीं है। ये एक BMC ने का गार्डन है, इसमें सब लोग को वेलकम है, बस हम यही चाहते हैं कि यहाँ आए लोग, सफाई रखें, और जो चीज़ यहाँ पे है उसका ख्याल करें कि उसको ख़राब ना करें, उसमें तोड़ फोड़ ना करें। यहाँ कैसा है, ये स्लम एरिया है, यहाँ पे चोरी बहुत होती है, तो इस वजह से मैं हाथ जोड़ के लोगों से अपील करूँगा, बच्चों से ख़ास करके, कि आओ खेलो, यहाँ पर एक्सरसाइज करो, क्रिकेट खेलो, प्ले ग्राउंड है और भी वहाँ पर झूले वगैरह हैं, लेकिन ये अपना समझते हुए ही इस्तेमाल करो, जैसे अपना घर की चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारा ही है, इसको अच्छे से जैसा रखेंगे तो आगे भी तुम्हारे आप ही लोगों के काम आएगा।
सर बीएमसी से बना हुआ है पहला या दूसरा ये गार्डन होगा जिसमें म्यूजिक सिस्टम दिया और बहुत ही अच्छा म्यूजिक सिस्टम है, मतलब ये पहला गार्डन है बम्बई के अंदर जो बना है कि इसमें पूरा म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है, जो लोग वॉकिंग करेंगे या यहाँ आएंगे टहलने के लिए उनके लिए अच्छा रहेगा और उनको अच्छा लगेगा और बहुत खूबसूरत हो जाएगा। या और अभी थोड़ा काम बाकी है, अभी 15-20% या और 15 या एक महीने के अंदर इंशाल्लाह ये भी काम पूरा हो जाएगा और हम कोशिश करेंगे इसके अंदर और कुछ नया करें लाके। एक हमारा इरादा है कि एक फाउंटेन लगाने का इसके अंदर, इंशाल्लाह अगर हम लोगों ने साथ दिया और अगली बार जीत के आए और हमारा यही वार्ड रहा तो इंशाल्लाह इसमें एक फाउंटेन लगाएंगे हम लोग। सर काफ़ी समय पहले इस एरिया की क्या दिशा थी वो बताने की जरूरत, ये तो तुम एक ज़माने में यहाँ पे कचरा गिरता था, ये तो आप लोग को मेरे से ज़्यादा अच्छा जानते हो, मुझे तो अभी 5 साल हुए यहाँ के, जब मैं हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे देखे थे तो यहाँ जो अपना भू माफिया लोग हैं बना के झोपड़े बना के बेचने के चक्कर में, तो मुझे भी बोला गया कि आप लोग हमारे साथ आ जाओ, एक झोपड़े के पीछे 50,000 देंगे, 1,00,000 देंगे। मैं बोला ये काम करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, ना इस वजह से हम लोग जीते हैं कि ये काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है पहले से कि सुकून से दाल रोटी खा सकते हैं। ये काम नहीं किया मैं ज़्यादा करूँगा कि वो लोग आए इतने तादाद में, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतने लोग आएंगे और जो मेरी सोच थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम हो गया। वो गार्डन जो हमारा एक सपना था वो पूरा हुआ आज। हम लोग 5 साल से मेहनत कर रहे थे इस चीज़ पे, बहुत लोगों से दुश्मनी भी हो गई, बहुत लोगों ने गाली भी दी हमें, बहुत लोगों ने बुरा भी कहा और बहुत आज दिख रहा है कि हम लोगों ने अच्छा काम किया है, दिल को सुकून मिला है। बहुत अच्छा लगा और हमेशा ही जब भी मैं गोंडी आता हूँ तो गोंडी की जो आवाम है मुझे बहुत मोहब्बत और प्यार और इज्जत देती है, वैसे इस बार भी मेरे लिए बहुत एजाज की बात थी। मैं सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रुखसाना सिद्दीकी जी का और नाजिम सिद्दीकी साहब का कि जिन्होंने मुझे इस गार्डन के उद्घाटन में लोगों के रूबरू होने का मौका दिया और इस काबिल समझा, तो मुझे बेहद खुशी है इस बात की और लोगों का मुझे बेहद प्यार मिला, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गोंडी वालों का। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि इस खूबसूरत पूरे अहले गोंडी को कि जो इतना खूबसूरत गार्डन उनके लिए बना के दिया गया है। मैं चाहूँगा कि बस इस गार्डन को अच्छी तरह से रखें, उन्हें खूब सारे फूल खिलाएँ, खूब सारी खुशबुएँ उड़ें, पूरी गोंडी महक उठें, यही दुआ करता हूँ।